अपनी जान जोखिम में डाल दी। आइए ऐसे पुरुषों को एक रागिणी समर्पित करते हुए किस प्रकार से सुनेगा, रागिणी के माध्यम से क्या बताया। और किस प्रकार से वो जो देश में मर मिट गए, वो देश दीवाने थे, वो झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। कहते हैं श्रोताओं कि असली मर्द वो होता है जो अपनी आन बान शान और अपने तिरंगे को ऊंचा रखे और अपनी भारत माँ की इज्जत को बचाए रखे। और क्या बताया, वो जो देश पे मर मिट गए, वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए, आजादी चरखे से आई थी, आजादी चरखे से आई थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आजादी मात्र चरखे से आई थी, नहीं आई थी। उन शहीदों के बलिदान से आजादी आई थी, उन शहीदों के बलिदान से आजादी आई थी। और किसी ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, हरियाणा के कवि हुए, उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी और बड़ा करारा जवाब दिया कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो हिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, और नेता भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सहलान नहीं होता, सहलान नहीं होता। और पहली बात में क्या लिख दिया, कैसे
मिलेंगे क्योंकि इनका जिगर ही ऐसा बना है कि ये भारत माँ के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देते हैं। श्रोताओं, भी कुछ दिन की बात थी कि कुछ सेना में हमारे वीर शहीद हुए तो सारी पॉलिटिशियन पार्टी इकट्ठी हो गई, इलेक्शन आने वाला है और कहने लगे अरे क्या हुआ, एक सैनिक ही तो था और सैनिक तो देश पर शहीद होने के लिए बढ़ते हैं। मैं ताऊ जी आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या शहीद जो हमारे सैनिक थे वो देश पर शहीद होने के लिए बनते हैं? नहीं, बड़े ही प्यार से उन्होंने बात कह दी कि क्या हुआ, हम उसको 10 लाख रुपए देंगे। दूसरी पॉलिटिशियन पार्टी बोली कि अगर तुम 10 लाख दोगे तो हम 20 लाख देंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या एक भाई की कीमत 10 लाख रुपए हो सकती है? क्या एक बेटे की कीमत 20 लाख रुपए हो सकती है? अरे नहीं हो सकती। तो कभी ने बड़ा ही करारा जवाब दिया और कहा कि तुमने 10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, माना कीमत लौटा दी उन पुरुषोत्तम माओ को। अरे लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को। अगर मंत्रियों में दम है ना तो लड़ने भेजे अपने बेटों को, लड़ने भेजे अपने बेटों को। और दूसरी बात में क्या लिख दिया, जान नहीं देते, इसीलिए आज हमारा देश इतना पीछे है। तब उठ जा, ज्यादा उठने ना, रिटायर है पता तू कौन सी दुनिया में है। कोई अच्छी बात कह रहे हो तो आप ही बुजुर्ग ऐसा करोगे तो और कौन सुनेगा, नौजवान क्या सुनेंगे जब आप लोग नहीं सुनने को तैयार। अगर मैं गलत गा रही हूँ तो जी बैठ जाऊंगी, अगर बेकार लग रहा है तो आपको, लेकिन प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, अगर कुछ गा रहे हैं तो थोड़ा सुन लो, क्योंकि हम कलाकार हैं। जब तक कोई
चीज नहीं सुनाई जिससे आप लोगों को कोई मैसेज मिले, कोई संदेश मिले, तो हमारा गाना बेकार है। ये तो चलता रहता है, थोड़ा हंसी मजाक भजन बाबा का गुणगान किया, पर ऐसी बात भी जरूर होनी चाहिए जो दिल में खटक पैदा कर दे कि हाँ नो फलानी गा कर गई थी, बढ़िया टीम आई थी ना, तो गा हम भी सुबह चले जाएंगे रुपए लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, और दो गज जमीन भी नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए, और मेरे जैसी हसीनाएं भी दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। और तीसरी बात में क्या लिख दिया, अगर तेरी आखिरी इच्छा हो तो तू मुझे बता। तो एक वो शहीद थे, वो नौजवान थे जिन्होंने बड़ी ही प्यारी सी बात कही अपनी माँ से, और क्या कहा, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, कोई बात इनके दिल में खटकी होगी उनके लिए फिर से धन्यवाद। और आइए तीसरी बात में क्या लिख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक और